यू। मैंने पहले ही कहा कि आज भी हमने अपना नाम नहीं बदला। आज की डेट में इंश्योरेंस के धंधे में दो प्रकार के लोग हैं। एक है टिपिकल एजेंट, जो आज भी अपने आप को LIC का एजेंट समझता है, जो आज भी लोगों को कॉल करता है तो यही बोलता है, साहब आनंद बात करूं LIC माथी, एक पॉलिसी माटे तुमने मळवा आवू छू। वो आज भी यही डायलॉग में बोलता है। कोई यदि आदमी पूछता है कि आनंद भाई शू करो छो, तो वो यही बोलता है कि LIC नू करू छू। ये टिपिकल एजेंट टाइप आदमी है। और दूसरा कौन है मालूम है? एक है आर्किटेक्ट टाइप, फाइनेंशियल आर्किटेक्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजेंट एंड आर्किटेक्ट? द डिफरेंस बिटवीन एजेंट एंड फाइनेंशियल आर्किटेक्ट इज लाइक द डिफरेंस बिटवीन कड़िया एंड आर्किटेक्ट। समझते हैं? कड़िया एंड आर्किटेक्ट। याद करो वो दिन कि जहां पर हमारे घर में यदि कोई काम कराना होता था तो पिताजी बोलते थे कि हूं आऊ जरा कड़िया ना के जिनको पकड़ दो आऊ, ठीक है। उधर से किसी न किसी एक फंटर को लेकर के आते थे, उसको बोलते थे आओ आओ करवानो, ये बोलो शू लेसो, तो पेलो भी कही देख साहब अंदाजे 5.5-6 हजार रुपया खर्चो छे और काम शुरू हो जाए। लेकिन अब वो जमाना गया, अब क्या हो रहा है? आर्किटेक्ट है ना। लोग एक दूसरे को ऐसा पूछते हैं कि यार तुम्हारे ध्यान में कोई अच्छा सा आर्किटेक्ट हो तो बताना। फिर वो आर्किटेक्ट जब भी आता है ना, तो वो इमीडिएटली आकर के सब खर्चा बताना चालू नहीं करता। वो पहले तो आएगा, हमारे साथ में बातचीत करता है, हमें समझने की कोशिश करता है, बातचीत के दौरान पता लगा लेता है अपनी सूझबूझ से कि इस आदमी का खर्चा कितना करने की हैसियत हो सकती है, वो अंदाजा लगा लेता है। वो किसी दुकान वाले की तरह पूछता नहीं है कि साहब बजट शू तमारू, ऐसा आर्किटेक्ट नहीं पूछता। कोई चीला चालू होगा तो पूछेगा, लेकिन अगर होशियार इंटेलिजेंट आर्किटेक्ट है तो बातचीत से ही अंदाजा लगा लेता है कि इसका बजट इतना हो सकता है। यदि इसके फ्लैट की कीमत 30 लाख रुपए की है तो ये 4-5 लाख रुपए का खर्चा कर सकता है, उसको समझ में आ जाता है। आर्यू विथ मी? फिर आने के बाद में पूरा घर देखेगा, मेजरमेंट वगैरह लेगा, पूरा पता करेगा घर में कितने लोग हैं, बच्चे कितने। आपने बोला बच्चों का एक अलग से कमरा मेरे को करना है, तो ऐसा नहीं कि वो एकदम बिना सोचे ही डबल बेड का साइज मतलब पूरा माँ बाप लेकर के दे देगा। वो क्या करेगा? जगह के हिसाब से तय करता है। अगर उसको ऐसा लगेगा कि डबल बेड बनाऊंगा तो जगह कम पड़ेगी, तो वो क्या करता है, मल्टी लेवल बेड बना देता है कि ऊपर नीचे और लुक्रेटिव भी लगेगा, जगह भी कम, बच्चों को भी बड़ा आनंद आएगा। ऐसा सब कुछ वो सूझबूझ लगाता है और ऐसा बोलता है कि साहब एक काम करो। और जैसे ही आप ये पूछते हैं ना कि हाँ खर्चो के लो थसे भाई, तो वो इमीडिएटली बोलता है कि सर मुझे एक्चुअल में मैं अभी नहीं बता सकता, मैं 2 दिन के बाद शाम को इसी टाइम पे आता हूँ आपके पास में और पूरा सा मैं प्रेजेंटेशन बना करके ले आऊंगा और आपको बताऊंगा कि कॉस्टिंग कितना होगा। ऐसा बोलकर के वो निकल जाता है। 2 दिन के बाद दोबारा आता है, अपने पास में लैपटॉप या तो टैब लेकर के आता है और वो 3D प्रेजेंटेशन तैयार करके लेके आता है। 3D प्रेजेंटेशन में हमको दिखाता है हमारा पूरा घर कि इसमें ऐसा पेंट लगाएंगे, खिड़कियां ऐसी बनेगी, एल्युमिनियम सेक्शन लगेगा, टॉयलेट के दरवाजे ऐसे रहेंगे, बच्चों का बेड ऐसा रहेगा। यदि उसने आकर के ये भी देखा कि तुम गणपति बाप्पा को बहुत मानते हो, तो वो जो 3D प्रेजेंटेशन बना करके लाएगा उसमें जो मंदिर रखा होगा उसमें गणपति की सबसे खूबसूरत स्टैचू लगा करके लाएगा, क्योंकि तुम्हारी भावना भी उसके साथ में जुड़े। तो भाव देने से पहले तुम्हारे भाव जगाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना, रेट देने से पहले तुम्हारे अंदर के भाव जगाएगा, इमोशनली तुमको कनेक्ट करेगा और बाद में बोलेगा हाँ सर आइए बैठ करके बता दो आपको इसमें क्या होगा। फिर वो पूरा प्रपोजल तुमको एक्सप्लेन करता है और लास्ट में बोलता है, और वो जो कोटेशन या प्रपोजल देगा हमेशा ये नोटिस करना कि यदि आप 5 लाख रुपया खर्च करना चाहते हैं तो वो 5,80,000 के आसपास का होगा, यदि आप 4 लाख खर्च करना चाहते हैं तो वो 4.5 लाख रुपए के आसपास का होगा। क्योंकि उसे मालूम है कि मैंने जो दिखाया है ये देख करके ये कम से कम 15-20% तो एक्स्ट्रा देने को राजी हो ही जाएगा। वो ऐसी गलती नहीं करता कि 50,000 रुपए का प्रपोजल बना के लेके आएगा, वो ऐसी भी गलती नहीं करता कि 4 लाख की औकात वाले के लिए 15 लाख का प्रपोजल बना करके लेके आएगा। क्योंकि उसको मालूम है कि यदि बहुत छोटा मैंने दिया तो इसे लगेगा कि ये आदमी फालतू का लगता है, और यदि बहुत बड़ा मैंने दिया प्रपोजल बना के तो ये अपना घर का रिनोवेट कराने का सपना ही छोड़ देगा कि चाल से हमें रही ले। Are you getting my point? ये इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि मैंने कई सारे LIC एडवाइजर अपने भाई ऐसे देखे कि जो या तो ओवर कोटिंग करते हैं या तो अंडर कोटिंग करते हैं।
जहां से लाख रुपया का प्रीमियम लिया जा सके उधर से 20,000 रुपया लेकर के पटाखे फोड़ रहा है, और जिस बेचारे की हैसियत 40,000 लेने की है उसको 1.5 लाख का कोटेशन बना करके देता है। ये जो कैलकुलेशंस की कमी के चलते, नीड की अंडरस्टैंडिंग की कमी के चलते, ये छोटी छोटी गलतियां जो हम करते हैं, इस वजह से भी हमारे हाथों से धंधा चला जाता है। Are you with me? Yes. तो आज हम ऐसे ही कुछ टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एजेंट कौन होता है, एजेंट का कैसा रहता है मालूम है? एजेंट जाते ही बेचना शुरू करता है। यदि एक टेलीफोन भी करेगा तो आनंद भाई कैम छो मैं कीधु मजा मैं LIC माटे तुम्हारी जोड़े 10 मिनट बात करवा आऊ तू सीधा चढ़ जाएगा सेलिंग लेकर के। ये किसी के घर में भी जाएगा तो बिना ओपन किए ही सेल को क्लोज करने की कोशिश करता है, जाते ही धंधे की बात करेगा। इसका कैसा रहता है? He starts with discussions, ये बातचीत से शुरू करता है। एक जनरलाइज बातचीत करके आदमी को धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट की तरफ लेकर के आता है। इसका कैसा रहता है दूसरा? He loves to speak and don't want to listen, इसको बोलने के बड़े कीड़े रहते हैं, सुनना नहीं चाहता। यदि ये चाल एजुकेशन प्लान समझा रहा है तो खुद ही बोलेगा कि साहब आपकी कृपा 8 वर्ष नहीं है, ये कृपा ने जरा अपने डॉक्टर बनावी पड़े, ये डॉक्टर बनवा माटे वक्त 40 लाख रुपया जोईशे, तो 40 लाख रुपया नो वीमो तो अपनी पास होवो जोईए। तो पेलो मानस भी कहे एक काम कर कृपा तू ले जा डॉक्टर बनाई ले तो आपके पास हरी रेडीमेड रीजन सब कुछ तू ही बोल रहा है, उसको तो पूछ वो कृपा को डॉक्टर बनाना चाहता है नहीं चाहता, कृपा क्या बनना चाहती है ये पता लगा। तू ही सब कुछ कृपा को बनाना चाहता है तो प्रीमियम भी तू ही दे, सम एश्योर भी तू ही ले, डॉक्टर बनाई ले तो आओ जे भाई। ठीक है, इसका कैसा रहता है? ये सवाल पूछना इसको बड़ा मजा आता है। लव्स टू आस्क क्वेश्चंस एंड लिसन केयरफुली। सवाल करेगा ये आदमी से, तरह तरह के सवाल करेगा। सर आप मकान में क्या थी रोज हो? पप्पा शू करता था? सासरू क्या आयु तमारू? भाभी हाउसवाइफ छे के नौकरी वोकरी करे ये? अच्छा करे ये से मा सरकारी स्कूल मा सरकारी जॉब मा छे के प्राइवेट जॉब मा छे? शू प्लान छे दीकराओ माटे? शू भरवानू विचार भरावानू विचार ये अपना माटे? ऐसा सवाल करके फिर वो ध्यान से सुनेगा। ये क्या करेगा? उंगली करता रहता है सवाल कर करके, क्योंकि उसको मालूम है कि सवाल करूंगा तो ही जानकारी मिलेगी, सवाल में से ही नीड पता चलेगी, ये वो अच्छी तरीके से जानता है। Are you with me? Yes. Are you with me? Yes. Wonderful. इसका कैसा रहता है? ये पहले से जानता है इसकी जरूरत क्या है। मैंने ऐसे भी LIC एजेंट देखे जो अपनी बैग में रेडीमेड प्रपोजल लेकर के ही जाते हैं। रेडीमेड प्रपोजल, पूरा प्रपोजल लेकर के ही निकले, शायद महीना ना 1200 रुपया बचाव सो एटले 15 वर्ष पछी आटला मळशे। आ क्यारे लेजो चेक? ये नीड क्रिएट नहीं करता, ये क्या करता है? आइडेंटिफाइज द नीड, ये नीड का पता लगाता है, नीड के बारे में समझता है, कस्टमर के मुंह से बुलवाता है कि मेरे को क्या चाहिए। एक डॉक्टर की तरह, एक आर्किटेक्ट की तरह काम करता है। ऐसा नहीं, आपने जिंदगी में कभी ऐसा डॉक्टर देखा कि आप गए और आपको देखते ही बिना कोई सवाल किए डॉक्टर ने अपना राइटिंग पेड निकाल निकाल करके लिखना चालू किया है ना, लाल गोली पीली गोली वादरी गोली भरी ने आपी दी कि तू चलो त्यां सुई जावे ले इंजेक्शन ठोकी दी तू। ऐसा किया क्या कभी किसी ने? नहीं, पूछते पता करते है ना, ठीक है कि क्या देना पड़े। ये उस प्रकार से काम करता है। और एक चीज क्या है इसकी? ये पॉलिसी सेल करता है। ये समझ नहीं पा रहा है कि अब पॉलिसी सेल करने का जमाना गया है। ये जहां भी जाएगा तो कस्टमर को ये बोलता है कि सर जीवन उमंग करीने सरस पॉलिसी आई, सर एक जीवन शिरोमणि करीने तमारा जेवा लोको माटे सरस पॉलिसी आई, 1 करोड़ नो मिनिमम इंश्योरेंस से LIC। ये सीधी पॉलिसी की बात करता है। ये क्या करता है? ये प्लान सेल करता है। ये समझता है आजकल के लोगों की मानसिकता को कि अब जमाना प्रोडक्ट बेचने का नहीं है, अब जमाना है प्लान बेचने का। अब जमाना यह नहीं है कि मैं अपना प्रोडक्ट
बेचूं, जमाना ये आ चुका है कि मैं लोगों को ये समझाऊं कि आपको ये खरीदना क्यों है और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन करके प्लान कैसे बेचना चाहिए। आजकल आप कोई आप देखो पूरी दुनिया में यही चल रहा है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाएंगे ना, यदि आप अलाकार्ट मेनू से मंगवाएंगे तो उसमें कैसा रहता है, 250 रुपए का सब्जी, 100 रुपए का सूप, 40 रुपए का बटर रोटी, 50 रुपए का छाछ, चावल का 150 अलग से, दाल का 125 अलग से, रायता तुमने मंगवा लिया तो 150 उसका। अरे तो रेट देखते ही अपना तो भूख मर जाता है कभी कभी, ठीक है। तो होटल वालों ने आजकल क्या किया, आप सब ऐसे देखते हो ना तो लास्ट पेज पे लिख करके आता है 185 प्लस जीएसटी में अनलिमिटेड, और मेनू देते स्टार्टर भी आएगा, सूप भी आएगा, एक पनीर का सब्जी, एक वेजिटेबल का सब्जी, रोटी और नान इसमें ऑप्शन रहता है, सूप में भी दो ऑप्शन, दाल चावल मिलेगा, पापड़ मिलेगा, रायता मिलेगा, छाछ मिलेगा और लास्ट में ब्राउनी विद आइसक्रीम भी रहेगा। तो आदमी भी सोचता है कि यार 250 रुपए की एक सब्जी मंगवाने से बेहतर है 185 प्लस जीएसटी में इतनी सारी आइटम एक साथ अपन खा लेते। हर आदमी प्लान बेच रहा है, शैंपू के साथ में साबुन फ्री मिल रहे हैं, वो भी कॉम्बिनेशन बना करके दे रहे हैं। लेकिन ये जो टिपिकल एजेंट टाइप का आदमी है ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी बेचने की बात करता है। और ये क्या करता है, ये प्लान बेचता है। तो इसका जब प्लान बेचता है कि बच्चे के एजुकेशन के लिए, फिर शादी के लिए, आपका थोड़ा रिटायरमेंट डाला, थोड़ा पेंशन डाला, थोड़ा ये फंड डाला, थोड़ा वो फंड डाला, ऐसा करके वो एक ही आदमी के घर में से अलग अलग प्रकार का प्लान बेच करके 6-7 पॉलिसी ले लेता है। ये एक आदमी के पास में जाता है, एक पॉलिसी के लिए पूरा प्रीमियम निकाल लेता है, ये एक ही प्रीमियम उतना ही प्रीमियम के अंदर ये 5-6 पॉलिसी का एक कॉम्बिनेशन बना करके मस्त दे देता है। ये अंतर है। आर यू विद मी? यस माय डियर फ्रेंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें यदि आज के जमाने में सफल इंश्योरेंस एडवाइजर बनना है तो हमें भी इस श्रेणी में आना ही पड़ेगा। धीरे धीरे इन लोगों की जाति खत्म हो रही है, जैसे डायनासोर कभी हुआ करते थे वैसा ही ये भी कभी होंगे, ऐसा एक मौसम बहुत जल्दी आने वाला है। क्योंकि जैसे ही आने वाले 5 साल के बाद में हमारी और तुम्हारी मुलाकात उस जनरेशन से होगी कि जो इमीडिएटली साला अपने बोलते ही policybazaar.com खोल के बैठ जाते हैं, जिनका माइंडसेट ही नहीं है सेविंग का, जिनका माइंडसेट ही नहीं है कि भैया पैसा बचाना चाहिए, वो इस कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं चरखा में घर चला ले और बाकी शौक पूरे करने के लिए क्रेडिट कार्ड घिसते और धीरे धीरे करके चुकाते रहेंगे। इस मानसिकता वाले लोगों के सामने यदि मैं ऐसा बोलूंगा कि वीमो तुम्हारा जीवन में होवो जोइए, तो वो सामने बोलेगा आ दरवाजो तुम्हारा माटे ज बनायो छे, बाहर निकलो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वी नीड टू चेंज अवर स्ट्रेटेजी। और जो बदल रहे हैं वो कमा रहे, जो नहीं बदल रहे उनको लग रहा है कि मार्केट में अभी किसी को इंश्योरेंस में इंटरेस्ट है ही नहीं। लेकिन LIC के आंकड़े ये कहते हैं कि LIC ने रेकॉर्ड ब्रेक प्रॉफिट किया लास्ट ईयर, LIC ने रेकॉर्ड ब्रेक MDRT प्रोड्यूस किए, LIC ने रेकॉर्ड ब्रेक पॉलिसीज किया, LIC ने रेकॉर्ड ब्रेक प्रीमियम कलेक्ट किया। यदि LIC रेकॉर्ड ब्रेक कर रही है अपना हर पिछले साल से, अगले साल उसका धंधा बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि इंश्योरेंस आज भी चल रहा है। और खुशकिस्मत ही हमारी है सर ये कि ये प्रोडक्ट का, यदि मुझसे आप पूछो कि आनंद भाई इंश्योरेंस का आयुष्य क्या है, तो मेरा सिंपल जवाब यही है कि जब तक इस धरती पर इंसान पैदा होता रहेगा इंश्योरेंस बिकता रहेगा। इसका आयुष्य और इंसान का आयुष्य सेम है, तो मुझे ये बता इंसान का आयुष्य क्या है।